गाइस जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये मेरे मोटोरोला मोटो G40 फ्यूजन से ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं फर्स्ट डे से लेके आज तक की जितनी भी वीडियोस हैं सारी मैंने इसी स्मार्टफोन से बनाई हैं। तो कैमरे का तो कोई आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं, सारी वीडियोस चेक कर सकते हो कैसे इसका कैमरा का है, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा सारे यूज किए हुए हैं। मेरे मोटोरोला मोटो G40 फ्यूजन को आज लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूं कि मेरे मोटोरोला G40 फ्यूजन को 6 महीने बाद यूज करने के बाद इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या इसमें मुझे अच्छा लगा और क्या थोड़ा बेकार लगा। तो पूरा रिव्यू शुरू से अंत तक दूंगा, डिजाइन से लेके बैटरी के परफॉर्मेंस तक का सारा रिव्यू मैं इस वीडियो में कम्प्लीट कर दूंगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी आप मोटोरोला मोटो G40 फ्यूजन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसको खरीदने में। स्मार्टफोन में मैं सबसे मेन चीज मानता हूँ उसका वेट कितना है, हाथ में उसको लेने पे कैसा फील होता है, ये मैं मेन मानता हूँ। तो जो मेरा मोटोरोला आया था मेरे पास सबसे पहले, तो स्टार्टिंग में मुझे काफी हेवी लगा क्योंकि ये बहुत हेवी स्मार्टफोन था, लेकिन जैसे जैसे मैं यूज करता गया इसका वेट मुझे अब पता नहीं चलता, मैं नॉर्मल यूज कर सकता हूँ। इसकी थोड़ी लेंथ ज्यादा है लेकिन इसको जब आप कोई अच्छी वीडियो मूवी वगैरह देखते हैं तो काफी अच्छा फील आता है इसको देखने में, जो कि रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पे देखने पे तो क्या ही कहूँ, पूरे 4 चांद लग जाते हैं वीडियो में। और डिजाइन में एक बात कहूँ तो अगर आप इसको विदाउट कवर यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो बहुत सारे फिंगर के इंप्रेशन आ जाते हैं उस पर मार्किंग आ जाती है, फिंगर के निशान लग जाते हैं, लेकिन आप कवर लगा के यूज करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और कवर की बात करूं तो कवर जैसे कि ट्रांसपेरेंट कवर देते हैं ये लोग, तो वो पीला हो चुका है, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखो ये कवर पीला हो चुका है, 6 महीने बाद थोड़ा पीलापन आ गया है। तो मैं सोच रहा हूं एक नया कवर मंगा लूं, लेकिन इस क्वालिटी का कवर नहीं मिलेगा आपको मार्केट में जो कंपनी कवर देती है। अगर सेकेंड बात करें तो डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले पे अभी तक मैंने टफ एंड ग्लास नहीं लगवाया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टफ एंड ग्लास लगा के यूज करना क्योंकि उससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैंने आज तक कोई टफ एंड ग्लास नहीं लगवाया अपने स्क्रीन पे, और मुझे विजुअल भी काफी अच्छे दिखते हैं ऐसे, तो मैं नहीं लगाता, मैं प्रीफर नहीं करता, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका स्क्रीन का पूरा कलर्स वगैरह बिल्कुल अच्छे हैं। और जो रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज, तो आप जो भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, ऑटो में भी रख सकते हो, जब भी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होगा तो 60 हर्ट्ज में चलता है, 120 हर्ट्ज में जब आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ करते हो तो 120 हर्ट्ज में चलता है और ऑटोमेटिक भी सेलेक्ट करता रहता है। तो अगर आप बैटरी बचाना चाहते हो तो 60 हर्ट्ज में यूज करोगे तो आपकी बैटरी भी बच सकती है। अब अगर तीसरे एस्पेक्ट की बात करें तो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कैमरा, जितने भी आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख रहे हो इस चैनल पे, ये यहां तक कि ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ये भी मैं अपने मोटोरोला के मोटो G40 फ्यूजन के कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये फ्रंट कैमरा मैं यूज कर रहा हूं। आपको अगर बैक कैमरे की परफॉर्मेंस देखनी है तो मेरा एक अलग चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसका, आप जाके उस चैनल पे बैक कैमरे की भी परफॉर्मेंस देख सकते हो। उस पे फ्रंट कैमरे की बात करो तो बहुत बहुत अच्छा है, बैक कैमरा अच्छा है, मेन कैमरा अच्छा है, लेकिन जो वाइड एंगल कैमरा है मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें थोड़ा ब्लर आता है और पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा नहीं होता है, पिक्चर एकदम भद्दी सी पिक्चर आती है। मैक्रो कैमरा अच्छा है। अब अगर गेमिंग की बात करें, मेरे मोटो G40 फ्यूजन में मैंने स्टार्टिंग में गेमिंग का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बहुत सारे गेम डाउनलोड किए थे और काफी अच्छा गेमिंग का परफॉर्मेंस है, गेमिंग मोड दिया हुआ है तो उसमें तो मजे ही आ जाते हैं, आप चाहो तो गेम को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, गेमिंग मोड में ही ये फीचर दे दिया गया है, आपको कोई अलग से ऐप वगैरह डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है। थोड़ा हेवी है लेकिन जब आपका हाथ बैठ जाएगा गेमिंग में तो इससे काफी मजा आने वाला है गेमिंग करने के लिए। तो जो प्रोसेसर की मैं मेनली बता दूं, प्रोसेसर तो गेमिंग के लिए अच्छा है लेकिन मैं मेनली इसको वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करता हूं, तो मेरे स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं और थंबनेल वगैरह बनाने के सॉफ्ट एप्लीकेशन हैं, यही सब मैं ज्यादा यूज करता हूं, उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और मैंने इसमें 512 GB की एक्सटर्नल मेमोरी लगा दी तो मुझे स्पेस की तो कोई कमी नहीं होती, इंटरनल मेमोरी खाली रहती है, मैं खाली ही रखता हूं, अपने मेमोरी कार्ड में ही सारा स्टोर करता हूं जिससे कि मोबाइल फास्ट चलता है और भी मजा आ जाता है चलाने में। तो आपको भी रिकमेंड करूंगा, मेमोरी कार्ड का फंक्शन दिया है, आप उसको मेमोरी कार्ड लगा के यूज करो, इंटरनल खाली रखो, काफी मजा आएगा चलाने में, बहुत स्पीड चलेगा। अब जो लास्ट आता है वो होता है बैटरी। बैटरी की बात करूं तो मुझे काफी अच्छा लगा,
बैटरी परफॉर्मेंस जितनी देर में पहले चार्ज होती थी, चार्जिंग टाइम लगता था, उतनी ही देर में 6 महीने हो गए, अब भी उतनी ही स्पीड से चार्ज होती है। मेरा टाइमिंग फिक्स है, मैं 7 बजे उठता हूँ, मोबाइल चार्ज में लगाता हूँ और कितना भी बैटरी डिस्चार्ज हो, 0% भी हो, तो 9 बजे तक ये चार्ज हो जाती है। बैटरी का ऐसा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि बैटरी को अपने आप चार्ज कर देता है 9 बजे तक। टर्बो चार्जर दिया हुआ है, अगर मैं 8 बजे भी लगाता हूँ तो भी 9 बजे तक मेरा बैटरी फुल चार्ज होता है। आप भी जाके अगर सेटिंग करना चाहो तो बैटरी के सेटिंग में जाके आप सेटिंग कर सकते हो कि आपको कौन से समय पे चार्ज कर सकते हो। ये सेलेक्ट कर देने से आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लाइफ हो जाती है बैटरी की, क्योंकि ये फंक्शन स्पेशली दिया है बैटरी को ओवर चार्जिंग होने से बचाने के लिए। तो मान लो अगर आप ऑफिस 9 बजे जाते हो तो चार्जिंग में लगा दो, 8 बजे 9 बजे तक आपका स्मार्टफोन चार्ज हो ही जाना है। नहीं भी हुआ तो इतना तो चार्ज हो जाता है कि आप यूज कर सकते हो, 90% तक चार्ज हो जाता है। आप इस फीचर का जरूर जरूर यूज करना। और अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूं तो डिस्चार्जिंग में भी काफी अच्छा रेट दे रहा है। देखो, मैं 9 बजे सुबह में चार्ज हो जाता है मेरा स्मार्टफोन, दिन भर रात भर यूज करता हूं, अगले दिन सुबह ही चार्ज में लगाता हूं, मैं बीच में कभी चार्ज में नहीं लगाता। और सुबह जब चार्ज में लगाता हूं तब भी 30-40% मेरा बैटरी बचा रहता है। आपको ये जानना जरूरी है कि वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, 6-7 घंटे तक मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तब जाके एक वीडियो तैयार होती है। कैमरा भी यूज करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, तो सोचो पूरे दिन मैं ये सब करता हूँ, उसके बाद 9-10 घंटे मतलब लगातार स्क्रीन ऑन ही रहता है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती है, फिर अपलोडिंग में 1-2 घंटे, फिर उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह सब पूरा करने के बाद तो लगभग लगभग 12 घंटे लगातार स्मार्टफोन चलाता हूँ। रात में भी थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह करता हूँ, तो सोच लो मैं पूरा 9 बजे से चार्ज करके 9 बजे तक मतलब कितना बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर प्राइस की बात करें तो मैंने इसको 13,500 में लिया था फ्लिपकार्ट से। अभी इसका जो रेट है वो 14,000 से 15,000 के बीच में ही रहता है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो। मेरा जो वेरियंट है वो है 64 GB वाला और 4 GB रैम वाला। आप इससे ज्यादा वेरियंट वाला भी चाहो तो ले सकते हो, लेकिन लो वेरियंट में ही मेरा काम चल जाता है। आप अगर एक्स्ट्रा हैवी गेमिंग करते हो तो 6 GB रैम का या मोटो G60 भी ले सकते हो। तो ये वीडियो मैंने बनाई अपने स्मार्टफोन के 6 महीने पूरे होने के लिए, और मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स हैं इस चैनल पे वो मोटो G40 फ्यूजन का रिव्यू देखते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, जल्द ही एंड्रॉयड 12 का भी अपडेट आ जाएगा इसमें, तो और ज्यादा फंक्शन आएंगे, तो मैं फिर आपको अपडेट भी करता रहूंगा कैसा चल रहा है, क्या नया है, क्या बदल गया है, तो पूरा डिटेल में बता दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हमारे रिव्यू की तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। अपने मोटो G40 फ्यूजन के बारे में भी कमेंट में लिख के जरूर बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।